जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है बुद्धिमान किसान और चोर पड़ोसी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था। वह लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर करके बहुत से पैसे कमाया करता था। घर में उसके अलावा उसके पत्नी थी, केवल दो लोगों के लिए। वह बहुत सारा धन कमा लिया करता था, जो कि उसके लिए बहुत पर्याप्त था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास ऐसे बहुत सारे मौके आए, जिससे उसने अलग अलग लोगों के यहाँ काम करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसने सोचा कि इतना सारा सोना घर में रखना ठीक नहीं, इसलिए इसको जमीन में कहीं गाड़ देना चाहिए। उसने एक थैले में अपना सारा सोना रखा और रात के समय उसको अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ आया। किसान का पड़ोसी यह जानता था कि इस किसान के पास बहुत सोना है, इसलिए वह हमेशा उसकी चौकीदारी करता रहता था। उसने किसान को अपना सोने का थैला गाड़ते हुए भी देख लिया था। जब किसान रात को अपने बगीचे में गया था, तो उसके पड़ोसी ने सोचा कि जरूर ही वह अपना सोना गाड़ने गया होगा, क्योंकि इसीलिए तो वह वहां रात को गया था। काफी रात बीत जाने के बाद वह पड़ोसी किसान के बगीचे में दबे पांव पहुंच गया और बिना कोई आवाज किए वह जगह खोदकर उसके सोने का थैला निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखा तो उस थैले में तो सचमुच ही सोना भरा था। वह बहुत खुश हुआ और उस जगह को पहले जैसा बनाकर वह जिस तरह दबे पांव वहां गया था, उसी तरह दबे पांव वह उस सोने के थैले को लेकर वापस अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों में किसान को पता चल गया कि किसी ने उसका सोना भरा थैला चुरा लिया है। उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चौकीदारी करते हुए देखा था, इसलिए उसका पहला शक अपने पड़ोसी पर ही था। अब वह अपना सोना उससे कैसे वापस ले, वह यही सोचने लगा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और वह उठकर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। उसने अपने पड़ोसी से कहा, दोस्त, मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूं। उसका दोस्त बोला, आओ मित्र आओ, हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे घर पधारे हैं। किसान ने कहा, मेरे पास एक थैला सोना था जो मैंने अपने पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था, पर अब मेरे पास एक थैला सोना और जमा हो गया है। इस सोने को अब मैं कहाँ रखूं? पड़ोसी यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे एक थैला सोना हड़पने का मौका और मिलेगा, इसलिए वह तुरंत ही बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, वहीं गाड़ दो जहां पहले गाड़ा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर किसान वहां से अपने घर चला गया। किसान के जाते ही पड़ोसी के दिमाग में यह बात आई कि अगर यह किसान मेरी बात मानकर अपना सोने का थैला उसी जगह गाड़ने गया, तो यह भेद खुल जाएगा कि किसी ने उसका पहला वाला थैला चुरा लिया है और फिर शायद यह अपना दूसरा थैला वहां ना गाड़े, इसलिए मुझे इसका पुराना वाला थैला पहले से ही वहीं गाड़ देना चाहिए। जब वह अपना दूसरा सोने का थैला भी वहां गाड़ देगा, तब मैं उसका सारा सोना एक साथ निकाल लाऊंगा। सो उस रात पड़ोसी फिर बगीचे में गया और किसान का पुराना वाला सोने का थैला उसी जगह पर गाड़ आया। किसान होशियार था, वह उस रात सोया ही नहीं था, क्योंकि उसकी तरकीब के अनुसार पड़ोसी को वहां पुराना वाला सोने का थैला गाड़ने आना चाहिए था। और किसान ने देखा कि वह वहां आया और उसका पुराना वाला थैला गाड़ कर चला गया। कुछ देर बाद किसान अपने घर से निकला और उसने अपना वह पुराना वाला सोने का थैला निकाल कर
पत्थरों से भरा एक नया बड़ा थैला वहां गाड़ दिया। उधर पड़ोसी की आंखों में भी नींद कहां, वह भी चौकन्ना होकर घात लगाए बैठा था। उसने देखा कि किसान ने अपना छोटा थैला जमीन से निकाला और उसकी जगह एक बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। वह सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे पहले से कहीं अधिक सोना मिल जाएगा। बड़ी कठिनाई से उसने वह रात और अगला दिन काटा। अगली रात वह मौका पाते ही वह किसान के बगीचे की तरफ गया और वह बड़ा सा पत्थरों का थैला निकालकर जल्दी जल्दी घर वापस आ गया। थैले के बोझ से वह बहुत खुश था, पर घर आकर जब उसने वह थैला खोला तो अपना सिर पीट कर रह गया, क्योंकि उस थैले में तो सोने की बजाय पत्थरों के टुकड़े थे। किसान ने उस धोखेबाज पड़ोसी को धोखा दे दिया। इस तरह उस किसान ने समझदारी से अपने चोर पड़ोसी से अपना चुराया हुआ सोना वापस पा लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।